14 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बिहारी फर्स्ट का महारैली करने जा रहे हैं। हमारे इसका मकसद क्या है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का इसमें विजन है। आप लोग जैसा जानते हैं कि बिहार का 2004 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, ये छुपा नहीं है आप लोगों से। ना बिहार में रोड था, ना बिजली था, ना पुल था, ना शिक्षा के नाम पे सब चीज़ में जीरो था। 2004 में जब NDA की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, उनके आने के बाद देख रहे होंगे पूरे बिहार में चहुमुखी विकास हुआ, उसमें कोई शक नहीं। रोड बना, घर घर लोग को बिजली मिला, पानी मिला, घर नल जल योजना के तहत घर घर पानी भी जा रहा है, शिक्षा का व्यवस्था किया गया, सब चीज़ किया गया। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का सोच है कि जो 2020 में जो NDA की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी ही होंगे, लेकिन बिहार के लोगों को जो स्वास्थ्य के लिए या शिक्षा के लिए या पलायन के लिए बढ़िया शिक्षा, मतलब शिक्षा है लेकिन और बढ़िया शिक्षा, पलायन के लिए या आप बोलिए, लोगों का सोच रहता है कि अमीर लोग हैं दिल्ली बम्बई में शॉपिंग मॉल घूम रहा है, हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारा कहना है कि लोग को दिल्ली बिहार में ऐसा व्यवस्था किया जाए जिसमें से लोगों को दिल्ली जाने की, बेंगलोर जाने की आवश्यकता, बड़ी से बड़ी बीमारी रहे उसके लिए नहीं जाना पड़े, उसका इंतजाम गांव तक हो, शहर नहीं, गांव गांव तक ऐसा स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, शिक्षा का वैसा व्यवस्था हो कि लोगों को इंजीनियरिंग और IPS IAS बनने के लिए बिहार के बाद जो बेंगलोर और ये करने के लिए जाना पड़ता है कि 2 साल का 3 साल का कोर्स करने के लिए, उसकी व्यवस्था भी यहाँ होगी। ये सब घोषणा पत्र 14 अप्रैल को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा घोषणा पत्र में किया जाएगा कि किस तरह से बिहार, जब हमारी सरकार बनेगी तो बिहार को किस तरह से चलाया जाएगा, जो बिहार में हर सुविधा से लैस होगा, लोगों को किसी चीज़ के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही सोच के साथ हम लोग जो है अपना जो है गांव-गांव दौरा कर रहे हैं, और एक रैली करने के बाद हम लोगों ने ये किया है, 119 सीट पे अभी चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ जदयू और BJP के विधायक नहीं हैं, और उसके बाद जो विधायक के कैंडिडेट होंगे हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के, उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा निर्देश दिया गया है कि कम से कम 25,000 सदस्य बनाना है, पहला प्राथमिकता उनकी रहेगी। दूसरा है कि उनको बूथ कमेटी तैयार कर वहाँ सौंपना होगा पार्टी ऑफिस को, और तीसरा हर एक बूथ से आम लोगों को जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा उस मुद्दा को लेकर पार्टी ऑफिस को सौंपना, तभी हमारे वो कैंडिडेट होंगे और ये जो है विधानसभा के प्रत्याशी होंगे हमारी पार्टी से। थोड़ा हमारा भी पूरा डिटेल से सुनिएगा और सच्चाई का साथ दीजिए दिल से। ये मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग का ठीक है हो रहा है, लेकिन जो सच्चाई है उससे अवगत लोगों को करना है। नहीं बोलिए, 15 साल से नीतीश जी का सरकार है, उनकी बात कर रही है। मैं मेरी बात सुन लीजिए, जिनकी बात सरकार चल रही है मैं उनकी बात करूंगा। हाँ हाँ, देखिए मेरी भी बात सुनिएगा ना, आप कह रहे हैं लालू जी को मत सुनाइए, मुख्यमंत्री जी का नहीं सुनाइए, तो सुनाए किसका, सुनाए बताइए। जो सरकार अभी है उसकी बताइए, वही सरकार के बारे में बता रहे। तो पहले पिछले जो सरकार 15 साल में क्या रोड था, 24 घंटा बिजली लोगों को मिला था। आज तो मैं बता रहा हूँ पायदान पर है, एक नंबर कैसे आएगा उसके बारे में बताइए। पहले पूरी बात को सुन लिया जाए, फिर आप बोलिएगा, आपका हम सुने जी बताइए। आज आम लोगों से पूछिए क्या दो